हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? अक्सर मैं आपके सामने नई नई जानकारी लाता रहता हूँ, आप जो कमेंट करते हैं उन पर वीडियो जरूर बनाता हूँ। तो दोस्तों, ये एक सवाल बार बार अभी रिपीट हो रहा है कि सर ये बताएं कि हम जब ऑनलाइन एग्जाम देंगे कंप्यूटर पे तो किस विषय को हम पहले हल करें, यानी कि वर्ग 3 में आपके जो बाल विकास है या फिर मैथमेटिक्स है, पर्यावरण है, फर्स्ट लैंग्वेज, सेकेंड लैंग्वेज है, तो हम किसको पहले हल करें। यहाँ पर जो वर्ग 1 और वर्ग 2 में जिन्होंने पेपर दिया है और जो अनुभवी हैं वो इस बात को जानते होंगे कि टाइम मैनेजमेंट कितना जरूरी है जब हम ऑनलाइन एग्जाम देते हैं, और किस सब्जेक्ट को पहले हल करने से हमें बेस्ट स्कोर मिलेगा, इसे भी हम जानेंगे आज। तो दोस्तों, जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं वर्ग 3 का, उनके लिए ये वीडियो इसलिए खास है कि आपको समझना होगा कि आपका कौन सा जो सब्जेक्ट है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है और कौन सा सब्जेक्ट वीक है। अब जो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग सब्जेक्ट है, पहले आप उसी का जो है पोर्शन हल करेंगे। और यहाँ पर मैं एक जनरल बात करूँ तो सबका सबसे स्ट्रांग जो पॉइंट होता है वो होता है उनकी फर्स्ट लैंग्वेज, सेकेंड लैंग्वेज। ये क्यों मैं कह रहा हूँ? क्योंकि वर्ग 2 में सबसे ज़्यादा जो नंबर अच्छे आए थे वो फर्स्ट लैंग्वेज और सेकेंड लैंग्वेज में आए थे। यदि 30 नंबर की फर्स्ट लैंग्वेज आ रही थी तो बहुत से लोगों के 30 में से 30 नंबर, 30 में से 29 नंबर, 30 में से 28 नंबर, ये स्कोर था। तो सबसे ज़्यादा कम समय कहाँ पर लगेगा आपकी फर्स्ट लैंग्वेज और सेकेंड लैंग्वेज में, तो हो सके तो सबसे पहले उसे हल करें। अब इसके बाद जो आपने पढ़ा हुआ है, जो आपने याद किया हुआ है, वो काम आएगा आपके पर्यावरण में, क्योंकि पर्यावरण का भी जो सिलेबस है वो काफ़ी बड़ा था और आपने कंप्लीट किया है। तो इसके बाद जो सेकेंड ऑप्शन आपका हो सकता है वो पर्यावरण हो सकता है। और यदि जिनकी मैथ स्ट्रांग है, जिनकी गणित स्ट्रांग है, उनका सेकेंड जो ऑप्शन हो सकता है वो मैथमेटिक्स होना है। तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि मैथ और पर्यावरण में से कौन सा आपके ज़्यादा स्ट्रांग है। मीन्स जिनका मैथ वीक है उन्हें तो उसमें थोड़ा समय लगना है क्योंकि सवाल हल करने पड़ेंगे, तो वो वहाँ पर जो है पर्यावरण से संबंधित जो भी उन्होंने याद किया है उसे हल कर सकते हैं, क्योंकि उसमें फिर थोड़ा कम समय वो दे सकते हैं और मैथ को थोड़ा ज़्यादा समय निकालना पड़ेगा वहाँ पर। लेकिन जिनका मैथ स्ट्रांग है वो सबसे पहले फिर फर्स्ट लैंग्वेज, सेकेंड लैंग्वेज के बाद मैथ ही हल करें, और यदि आप गणित हल करते हैं तो फिर उसके बाद आप पर्यावरण को समय दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम कहाँ तक पहुँच गए? फर्स्ट लैंग्वेज हमें पहले हल करनी है, फिर सेकेंड लैंग्वेज हल करनी है, फिर मैथ, और आपके पर्यावरण में से एक कोई चुनना है। अब दोनों में से आप जिसे भी चुन लें, इसके बाद आता है आपका बाल विकास और सभी विषयों का शिक्षा शास्त्र। चूंकि मैं बाल विकास और शिक्षा शास्त्र को एक कैसे मान रहा हूँ, क्योंकि ये वो पार्ट है जो आपने BEd, DEd या DLEd में पढ़ा हुआ है, यानी कि हमारी जो पूरी पढ़ाई है वो अलग है। जो हम पर्यावरण ले लें, मैथ ले लें, फर्स्ट लैंग्वेज, सेकेंड लैंग्वेज ले लें, इसके बाद जो हमारा बाल विकास है 30 नंबर का, और हर एक विषय में शिक्षा शास्त्र जोड़ा गया है, जैसे पर्यावरण में जो शिक्षा शास्त्र है वो 10 नंबर का है, फर्स्ट लैंग्वेज, सेकेंड लैंग्वेज में 15 15 नंबर का है, मैथमेटिक्स में 15 नंबर का है। तो इन पर आपको ज़्यादा समय देना है दोस्तों। इनमें क्यों ज़्यादा समय देना है उसका मैं कारण बता देता हूँ। कारण है वर्ग 2। वर्ग 2 में सबसे ज़्यादा जो नंबर कटे थे दोस्तों, ये बाल विकास में कटे थे, क्योंकि जो प्रश्न पूछा गया था उसके जो चारों ऑप्शन थे वो एक से ही लग रहे थे, यानी कि वो एक दूसरे से कनेक्टेड थे। एक से लगने का मतलब था कि एक दूसरे से वो कनेक्टेड ही लग रहे थे, और प्रश्न के अकॉर्डिंग लग रहे थे कि इसमें ए भी ऐसा लग रहा है कि सही हो सकता है, बी भी सही हो सकता है, सी। तो जो लोग थोड़े कन्फ्यूजन में आ गए ना वहां पर, उन्हें सही आंसर आते हुए भी वो गलत कर गए, और बहुत से लोगों के नंबर इसलिए भी कटे, ऐसा नहीं कि उनका बाल विकास कमजोर था, इसलिए भी कटे कि उन्हें जो समय मैनेजमेंट करना, जो टाइम मैनेजमेंट करना था वो उस हिसाब से नहीं कर पाए, और जो बाल विकास था उसे कम समय दे पाए। तो फिर जो उन्हें ठीक लगा स्पीड में कटते चले गए, और जो ठीक लगा उस पर टिक करते चले गए, तो भी नंबर कटे। तो यहाँ पर आपका जो शिक्षा शास्त्र है और बाल विकास है उसे ज्यादा समय देना है, हर एक प्रश्न को गंभीरता से पढ़ना है, गौर से पढ़ना है, और आराम से जितना भी आपके पास फिर टाइम बचेगा उसमें आपको लगाना है। क्योंकि आप यदि पूरे नंबर को जोड़ोगे, जैसे बाल विकास 30 नंबर का है, आपकी फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज, शिक्षा शास्त्र 15 15 नंबर का है, आपके पर्यावरण में 10 नंबर का है, मैथमेटिक्स में 15 नंबर का, टोटल ये 85 नंबर का, 85 नंबर्स हो जाती है दोस्तों।
और जहां पर 85 नंबर्स को आपको ज्यादा समय देना है, औरों की सब्जेक्ट के बाद वो आपको पहले हल कर लेना है, फिर रिलैक्स होना है, फिर जो हमारा 85 नंबर का बचेगा उसमें जितना भी आप गंभीरता से चिंतन कर सको, सोच सको और अच्छे आंसर पे पहुंच सको ना, उतनी ही आपकी संभावना बढ़ जाएगी, आप आराम से 120 प्लस ला सकते हैं उसमें। तो ये संभावना कब बढ़ेगी, जब आप डिवाइड करोगे इस तरह से दोस्तों कि मैथ का पोर्शन है, मैथ अच्छा है तो मैथ हल कर लो, फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड लैंग्वेज बहुत सरल आनी है, उसमें आपके गद्यांश पद्यांश उसमें से ही आंसर ढूंढ कर देना है, तो वहां पर आपको ज्यादा समय नहीं देना है, उस चीज में से समय कट करना है और सही आंसर पर आप आराम से पहुंच जाओगे। ऐसा भी नहीं है कि हड़बड़ी में हम फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज में ही धोखा खा जाएं, जो हमारा सबसे ज्यादा स्ट्रांग पॉइंट है वहीं पर हम मार खा जाएं, ऐसा नहीं, सही आंसर देना है और जितना समय लगना है उतना तो हमें लगाना ही है, जल्दी जल्दी नहीं करना है। तो फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड लैंग्वेज को सबसे पहले हल करें, फिर पर्यावरण और मैथ में से कौन सा स्ट्रांग है, जो एमएससी किए हुए मैथ से, अब वो तो मैथ ही पहले हल कर देंगे, तो ऐसा है। और यदि मैथ में आपको थोड़ा परेशानी आ रही तो फिर पर्यावरण ले लें, पर्यावरण को हल किया, फिर मैथ को समय दिया और फिर आ जाएं अपने शिक्षा शास्त्र और बाल विकास पर, सबसे ज्यादा समय उसी को देना है। 85 नंबर में से जितना अच्छा स्कोर आप कर पाए उतने ही चांसेज आपके बन जाएंगे बेस्ट स्कोर करने के। तो इस तरह से आप टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं। अब जो मैंने बताया वो सभी के लिए लागू इसलिए भी हो जाएगा दोस्तों क्योंकि कॉमन एंट्रेंस एग्जाम है, लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट और आपको पकड़ना है कि आपका कौन सा स्ट्रॉन्ग पार्ट है। हो सकता है कि बहुत से भाई बहन यहाँ पर बाल विकास और शिक्षा शास्त्र को बहुत अच्छे से पढ़ के बैठे हों, तो उन्हें वो पार्ट बहुत सरल लगेगा, तो उनके लिए फिर एक अलग स्ट्रेटेजी उन्हें खुद बनानी पड़ेगी कि आपको कठिन क्या लग रहा है, क्या मैथ कठिन लग रहा है, क्या फर्स्ट लैंग्वेज सेकेंड लैंग्वेज कठिन लग रही है, क्या पर्यावरण कठिन लग रहा है, तो वो एक अलग टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं। लेकिन जो आम धारणा है, जो मैंने वर्ग दो का विश्लेषण किया उसके आधार पर मैं आपको यही बता रहा हूँ कि जो शिक्षा शास्त्र है और बाल विकास है जो 85 नंबर का आएगा, बाल विकास कुछ 30 नंबर का आएगा और शिक्षा शास्त्र जो है वो हर एक सब्जेक्ट में है 15 15 नंबर का हर एक सब्जेक्ट में है, सिर्फ पर्यावरण में वो 10 नंबर का है, पर्यावरण स्वयं 20 नंबर का और आपका शिक्षा शास्त्र 10 नंबर का, ऐसे 30 नंबर का, तो कुल मिलाकर 85 नंबर्स ये जो है इसे ज्यादा समय आपको देना है दोस्तों, जिससे कि आप सही आंसर लगा सकें। इसमें हड़बड़ी नहीं करनी है, कोई भी ऐसी चीज नहीं सोचनी है जो कि हमारे नंबर कम करा दे, तो ये टाइम मैनेजमेंट पे यदि आप चलेंगे 100% आपको लाभ मिलेगा। तो ये वीडियो ऐसा ही था, आपको कुछ भी चीज पसंद आई हो या आपके कोई भी भाई बहन हो जो इससे लाभ उठा सकते हैं तो इसे शेयर जरूर कर दें, और आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, और जिन भाई बहनों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब करें, क्योंकि अक्सर ऐसे वीडियो मैं लाता रहता हूँ, आपने इस वीडियो को देखने के लिए इतना समय निकाला उसके लिए दिल से धन्यवाद।